So good afternoon students, today's topic is a very important topic. Today I am going to deal with all the drug with its classification. So first of all we will see the anti-Parkinson disease drug. Parkinson disease, the patient is not able to walk properly in Parkinson disease. ठीक है, तो हम उसकी medicine देखेंगे क्या कौन कौन सी होती हैं. वो करती हैं हमारे ब्रेन पे इफेक्ट, ठीक है, कोलिनर्जिक पे, क्योंकि वो पेशेंट अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता है, तो वो उनके जो कोलिनर्जिक जो पार्ट्स होते हैं उनको डैमेज करके वो वीक करता है पेशेंट को. तो हम लोग दो टाइप की मेडिसिन देते हैं. इसमें क्लासिफिकेशन कैसे हैं, टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन में मेजर हैं इसमें. तो हमारा सबसे पहले हम देंगे ड्रग एक्टिक ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम. नेक्स्ट है हमारा ड्रग इफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिनिक एंड सिस्टम. इसमें क्या है हमारे डोपामाइन में क्या है हमारे इसमें डोपामिन डोपामिनर्जिक एंड COTM. ठीक है, इसमें पेरिफेरल कार्बोक्सिलिक इनहिबिटर्स आएंगे, MOMB इनहिबिटर्स आएंगे. ठीक है एंड इसमें आएंगे एगोनिस्ट डोपामिन फिल्टर फैसिलिटेटर. अब इसमें सेंट्रल एंटी कोलर्जेनिक आएंगे एंड हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन चेक करते हैं. इसकी मेडिसिन भी रखी है पास में, वो आप चेक कर लेना. ड्रग फॉर डायरिया, ड्रग फॉर डायरिया में कौन कौन सी एंटी माइक्रोबियल प्रोबायोटिक एंड ड्रग फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस. नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स में आएंगे कौन कौन से, एब्सेंट और एडॉप्शंस. एंटी सीक्रेटिक ड्रग में आएंगे. ठीक है, ये सारे मेडिसिन आ जाते हैं, अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें. ओपोइड्स एनाल्जेसिक एंड एगोनिस्ट. ओपोइड्स ओपोइड्स रिसेप्टर्स पे जो मेडिसिन काम करते हैं उनके नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड्स. ठीक है, ये करेंगे. और सेमी सिंथेटिक ओपोइड्स, ठीक है, और सिंथेटिक ओपोइड्स करेंगे. ठीक, और मैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के टेस्ट होंगे. पार्टिकुलर एगोनिस्ट में चेक करते हैं, पुअर ओपोइड है एंटागोनिस्ट. एंटी एनाल्जेसिक ड्रग में कौन कौन है, नाइट्रेट बीटा ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ठीक है, प्रोटोन इसमें चैनल्स ओपनर रहेंगे. ठीक है, और इसमें हमारा अदर एंटी एनाल्जेसिक एनर्जिया ड्रग्स आएंगे लॉन्ग टर्म. इसमें नाइट्रेट एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में चेक करते हैं. और इसमें हमारा बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनॉल मेटेनॉल ये मेडिसिन सब पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको. और वालप्रिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आते हैं. शॉर्ट एक्टिंग में आएंगे इसमें हमारा सल्फोनामाइड्स, ये आएंगे इंटरमीडिएट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग स्पेशल पर्पस में आएंगे. एडेनर्जिक ड्रग्स हैं हमारे प्रेशर एजेंट्स, ब्रोंकियल डायलेटर, CNS स्टिमुलेशन, यूटराइन रिलैक्सेशन, यूटराइन रिलैक्सेंट एंड कार्डियक स्टिमुलेशंस. ठीक है, रिलैक्स नेशनल एंटी कंजेशन एंड एनोरेक्टिक. सॉरी, ड्रग फॉर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस. इसमें वैस्कुलर डायलेशन देते हैं. ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एजेंट में एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट. अब इसमें क्या है, वैसो डायलेटर डायरेक्ट एक्टिंग बीटा एनर्जेनिक एगोनिस्ट, बीटा अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड प्रोस्टेटिक लिंक लाइन प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स में. एंटी हाइपरटेंसिव में हम सबसे पहले डायरेटिक्स देते हैं, रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स देते हैं और हमारा सिम्टोमेटिक इनहिबिटर्स आते हैं. इसमें क्या डायरेटिक्स में थाइजीन हाइसालिंग पोस्ट स्प्रिलिंग. ठीक है, और इसमें रीनल एंजियोटेंसिन में कौन से देते हैं, ए सी
inhibitors, angiotensin receptors blocker, direct neural inhibitors में, और हमारा रहेगा सिप्टम्स इसमें एडिनिन ब्लॉकर ब्लॉकर इसमें सेंट्रल सिम्टोमेटिक करेंगे. ड्रग फॉर माइग्रेन, माइग्रेन में टू बी ट्रीटेड अटैक एंड टू प्रिवेंट अटैक. पहले हमारा ट्रीट, अगर पेशेंट को अटैक आ गया तो उसे ट्रीट करेंगे और फिर उसको ट्रीटमेंट अटैक आने को प्रिवेंट करेंगे. इसको हम सिंपल एनाल्जेसिक जैसे पैरासीटामोल, एस्प्रिन, मेटामेलजोई, कोडीन, एंटी हेमेटिक एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में आइब्रोफेन दिए देते हैं, सब कुछ मेडिसिन ठीक है. एंटी प्लेटलेट्स में हमारा थ्रोम्बोबॉक्स एंड थायसिंथेसिस इनहिबिटर्स प्लेटलेट्स आएंगे, इनहिबिटर्स आएंगे और हिस्टामिन हिस्टामिन एगोनिस्ट में हिस्टामिन बीटा हिस्टामिन ये सब आएंगे इसमें. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का फेराइलेशन, सेफालोस्पोरिंस में फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन, ओरल, पैरेंटल ये आते हैं सेफालोस्पोरिंस में. ड्रग फॉर कफ आएंगे एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलाइटिक, फारेंजियल, ड्यूमुकुलेंट ये एंटी टिश्यू कफ सेंट्रल सप्रेशन एंड एडवेंट एंटी टिश्यू. कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी आईजीएम देंगे, लिको ट्रेन करके मास्क सेल इनहिबिटर्स देते हैं अस्थमा में. पेनिसिलिन में नेचुरल पेनिसिलिन सिंथेसिस पेनिसिलिन बीटा लैक्टम बीटा लैक्टेज इनहिबिटर्स. डायरेटिक्स में हाई सेलिंग मीडियम इफेक्ट दी ज़्यादा करेंगे सीएनएस स्टिमुलेट हाइपोलिपिडेमिक ड्रग. थैंक यू सो मच.